रूल नंबर 21, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्री होते हैं, जो पहले लगते हैं, कैन बी एडेड टू बेस टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। बेस वर्ड मैंने जो हमारा एक बेस वर्ड होगा हम उसके साथ प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस एंडिंग इन वॉवल्स आर एडेड डायरेक्टली टू बेस वर्ड्स। वो क्या कह रहा है कि जो ऐसे प्रीफिक्स जो वॉवल पे एंड होते हैं तो वो हम डायरेक्ट ही बेस वर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी हमें काटने की, कुछ नहीं लिखने की, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे रिमूव, तो एंड प्रीफिक्स का एंड हो रहा है ई पे, तो अगला जो वर्ड है वो है मूव, तो हमने रिमूव एज इट इज लिख दिया। डिफ्रॉस्ट, तो डी एंड ई पे हो रहा है। पैराशूट, तो पैरा आ ए से आ रहा है, ये एंडिंग जो एंडिंग है वो वॉवल से है, तो हमें पैराशूट एज इट इज लिख देंगे। टेलीविजन, गीगाबाइट, रीगेन, तो सभी का जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं उनका एंड वॉवल पे अगर हो रहा है तो हम बेस वर्ड के साथ लिखते समय कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उसे एज इट इज ही लिख देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि समटाइम्स नेगेटिव प्रीफिक्सेस आर एडेड। कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव कैसे, जैसे जो मीनिंग को नेगेटिव बना देते हैं, जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट, बिहेव, मिसबिहेव, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हमने क्या करना है, टू वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स एंड चेंज देयर मीनिंग्स। कैसे, जैसे अनवेल, वेल के साथ अगर आप अन यूज करोगे तो वो उसको नेगेटिव बना देगा। डिसमिस, इनफीरियर, तो ज़्यादा रूल इसमें भी कुछ नहीं है, आपने डायरेक्ट इसे यूज कर लेना है। अब आपने जो ट्राई करना है, आप नॉन वाले वर्ड्स को बना के देखो जिसमें सब आता हो, वो बना के देखो, ए बी वाले कोई वर्ड देखो, एंटी या डिस या मिस, ये आपने सारे वर्ड्स बनाकर देखने हैं। स्पेलिंग रूल नंबर 23, प्रीफिक्सेस कैन बी एडेड टू रूट्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, रूट्स ऑफन हैव मीनिंग्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। तो जो रूट वर्ड होते हैं हमारे, जो बेस वर्ड्स होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि ये सारे वर्ड्स इंग्लिश के ही होंगे, ये किसी और लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। तो चाहे फिर वो वर्ड इंग्लिश का है, चाहे किसी और लैंग्वेज का है, जब हमने प्रीफिक्स ऐड करना है तो हमें कुछ ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती, हमने डायरेक्ट उसके साथ जो अपना एक प्रीफिक्स होता है वो ऐड कर देना है। जैसे डिवाइड, डी आई, ये हमारा प्रीफिक्स है, डी आई इंग्लिश का प्रीफिक्स है, पर जो वाइड वर्ड है वो इंग्लिश का नहीं है, तो हम किसी भी और लैंग्वेज के वर्ड के साथ भी कुछ ऐसे हमारे पास रूल्स हैं, किसी और वर्ड जो इंग्लिश का नहीं है हम उसके साथ अपने प्रीफिक्सेस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन एडिंग अ वॉवल सफिक्स टू वर्ड्स एंडिंग इन अ साइलेंट ई, ड्रॉप द ई एंड ऐड द सफिक्स। ये क्या होता है, वो कह रहा है कि अगर हमारा पास एक सफिक्स है, ऐसा सफिक्स जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जो ऑलरेडी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और हम उसको एक ऐसे वर्ड के बाद लगाना चाहते हैं जिसके लास्ट में ई आ रहा है, पर बात फिर वही, वो ई साइलेंट है, सिर्फ लिखने में यूज हो रहा है, बोलने में नहीं, तो सफिक्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उस ई को ड्रॉप कर देंगे। जैसे स्टोर, तो स्टोरेज बनाते समय क्या हुआ, ई साइलेंट था, हमने उसको डिलीट कर दिया, तो स्टोरेज के जो स्पेलिंग बन गए वो क्या बन गए, एस टी ओ आर ए जी ई। नेक्स्ट रूल, द लेटर जी मे हैव अ सॉफ्ट और हार्ड साउंड्स। दो तरह की साउंड्स होती हैं, है तो जी कॉन्सोनेंट साउंड है, अब कॉन्सोनेंट के आगे भी दो तरह की साउंड्स होती हैं, हार्ड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स, दोनों के अलग अलग साउंड पैटर्न्स होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि अ सॉफ्ट जी इज यूजली फॉलोड बाय आई और ई, एंड अ हार्ड जो जी है इज यूजली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट और ए ओ एंड यू। ये रूल, पहले तो हार्ड एंड सॉफ्ट देखो क्या है, जी इन गोल्फ इज हार्ड, जब जी की साउंड ग की होगी तो वो हार्ड साउंड मानी जाती है। जी इन जेम्स, जब ये जी की साउंड ज से होती है तो वो सॉफ्ट है, अगर जी ग की साउंड दे रही है जैसे गोट तो वो हार्ड है, अगर जी ज की साउंड दे रही है तो वो सॉफ्ट मानी जाती है। अब जो रूल है वो ये है कि अगर हम हार्ड जी को यूज़ कर रहे हैं तो जी जो हार्ड साउंड वाली है उसके बाद हम या तो कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं या फिर ए ओ एंड यू लिख सकते हैं, और अगर हमारी जो जी वो सॉफ्ट है तो उसके बाद हम या तो आई लिख सकते हैं या फिर ई लिख सकते हैं, जैसे जिप्सी। अब जिप्सी ये सॉफ्ट साउंड है तो इसके बाद या आई यूज़ हो रहा है या ई होगा या फिर वाई यूज़ हो रहा है। जर्नल, यहाँ पर ज की साउंड है या जर्नल साउंड है, जेल, ई से ई आ रहा है जी के बाद, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट साउंड है। गोट,
तो नॉर्मली गोट जब आता है वहां पे हम जी ओ लिख रहे हैं क्योंकि ये हार्ड साउंड है. गूज या फिर गॉबलेट ये सारे ग के साउंड्स आ रहे हैं. स्पेलिंग रूल 26, द लेटर सी हैज अ सॉफ्ट और हार्ड साउंड. अब ये भी सेम रूल है कि सी की भी दो साउंड्स होती हैं, वो हार्ड भी होती हैं और वो सॉफ्ट भी होती हैं. व्हेन सी मीट्स एन ए ओ और यू इट्स साउंड इज हार्ड. व्हेन सी मीट्स ई आई और वाई इट्स साउंड इज सॉफ्ट. यानी कि अगर सी के बाद ए लिखा जाता है, ओ लिखा जाता है या यू लिखा जाता है तो हमने उसको हार्ड साउंड में पढ़ना है. सी की हार्ड साउंड क्या होती है? क की. जैसे कार्ड्स, जैसे कैट. अब सी के बाद ए लिखा आ रहा है, हम इसे सैट क्यों नहीं पढ़ देते? हालांकि सी स की साउंड भी तो देते हैं, पर अगर क्योंकि उसके बाद सी ए टी लिखा हुआ है तो वो सैट नहीं पढ़ा जाएगा, उसे कैट पढ़ा जाएगा हार्ड साउंड के साथ. लेकिन अगर सी के बाद ई लिखा आ गया या आई लिखा आ गया या फिर वाई लिखा आ गया तो उसे सॉफ्ट मान के स से पढ़ा जाता है. जैसे सिटी, सी आई. अब सी के बाद आई आ गया तो वो सिटी वर्ड बोलेगा, वो किटी नहीं बन जाता. तो किटी लिखने के लिए हमें के आई टी वाई लिखना पड़ता है. जैसे लर्न दिस, सिंबल, सिंबल्स ये सॉफ्ट सी है क्योंकि स की साउंड आ रही है. सर्कस, सीजर, सॉफ्ट सी की. कैंडल, ए लिखा आ गया तो कैंडल हार्ड साउंड है. सी यू, कडल, ये क की साउंड आ रही है. कोट, सी ओ. तो जब भी क की साउंड आएगी वो हार्ड है और जब भी स की साउंड आएगी वो सॉफ्ट साउंड होगी. रूल नंबर 27, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू स्पेल द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स इंक्लूडिंग पीपल एंड प्लेसेस. ये हमारा भी सेम पहले वाला रूल ही है कि जब भी हम किसी कोई प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल डाला जाता है. नेक्स्ट रूल है हमारा होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में तो सेम ही लगते हैं, उनका साउंड पैटर्न सेम है पर मीनिंग वाइज वो अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं. जैसे अ पेयर ऑफ शूज, द पेयर इज स्वीट फ्रूट. एक पेयर फ्रूट का नाम है, एक पेयर शूज के पेयर को कहा जाता है. रूट, रूट. अलाउड, अलाउड. पॉज, पॉज. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल. मेड, मेड. डेज, डेज. तो ये ऑलमोस्ट जो इनका साउंड पैटर्न है वो सेम है पर ऑब्वियस है जो मीनिंग है उनके वो अलग अलग होंगे. आपने भी यहाँ पे क्या करना है, ट्राई दिस में प्रैक्टिस के साथ मेल खाता, आपने एक और नया वर्ड लिखना है जिसका साउंड पैटर्न सेम प्रैक्टिस वाला होगा पर उसका जो मीनिंग है वो प्रैक्टिस नहीं होगा. मेल के साथ आपने उसको एक रलता मिलता होमोफोन ढूंढ के लिखना है जो साउंड मेल के जैसे ही करेगा लेकिन उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा. लास्ट रूल है जो हमारा रूल नंबर 29, अ होमोग्राफ. अब होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ पहले था होमोफोन्स, देख लो होमोफोन्स. होमोफोन्स बोलने में सिमिलर है पर उनके मीनिंग अलग है. होमोग्राम, ग्राफ का क्या मतलब है? इज अ वर्ड दैट मे हैव मोर देन वन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशंस. एक ऐसा वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं या अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हो सकती हैं, हम उसे अलग अलग यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे यूज हो रखा है, अ कैलकुलेटर इज अ यूजफुल ऑब्जेक्ट. द लॉयर सेड आई ऑब्जेक्ट. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, वर्डिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है पर जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो वो अलग अलग हैं. तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को होमोग्राफ कहा जाता है. जैसे बो है तो बो, एक द फ्रंट ऑफ अ शिप को भी बो कहते हैं और अ नॉट उसे भी बो कहा जाता है. विंड, ब्रीज को भी विंड कहा जाता है और टर्न अराउंड को भी विंड कहते हैं. तो जैसे फास्ट, एक वर्त भी होता है फास्ट, एक फास्ट तेज चलना भी होता है. तो दो मीनिंग सेम, मीनिंग अलग अलग है, यूजेस अलग अलग हैं, उनके स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन वो सेम है. तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ कहते हैं. सो दैट्स द ऑल. ये टोटल 29 रूल्स होते हैं हमारे पास, स्पेलिंग रूल्स. मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत डेप्थ में जाके मैंने ये रूल्स नहीं बनाए हैं, ये बेसिक रूल्स हैं. अगर हम पहले ये कर लेते हैं तो बहुत सारी हम जो एरर्स हैं उनको अपना अवॉइड कर सकते हैं. खासकर जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में क्या होता है कि 5 नंबर के स्पेलिंग चेक्स आते हैं. स्पेलिंग चेक्स में वो हर बार यही ऐसी ही गलती होती है कि कई बार डबल टी आता है, कई बार आई आता है कि नहीं आना, या ई आएगा या नहीं आएगा. तो ये चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें. अगर आप इनको ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेते हो तो आपके स्पेलिंग्स कभी आगे से गलत नहीं होने वाली. तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. ये हमारा आज का टॉपिक था स्पेलिंग्स के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिर आगे आएगा, देखते हैं किस चीज़ के ऊपर बनाया जाता है. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.
And at the end, don't forget to like, comment and share. अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसी वीडियोज आती रहे तो लाइक तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और आपको साथ ही साथ कमेंट करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.